हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल रच मेकअप्स एंड व्लॉग्स। तो ये है मेकअप लुक जो मैंने दिवाली के लिए आप सबके लिए क्रिएट किया इन मैट्स। अगर आपको कोई शिमर अच्छा नहीं लगता, यू कैन यूज़ दिस लुक विद एनी आउटफिट। स्मोकी आईज हर एक आउटफिट के साथ यूज़ हो सकती हैं, चाहे वो कोई भी हो। ओके, सो आप कोई भी लिप शेड अपने हिसाब से लगा सकते हो। ओके, इफ़ यू डोंट लाइक लाइनर, आप लाइनर स्किप कर सकते हो। इफ़ यू डोंट लाइक अंडर आई वर्क, आप इसे भी स्किप कर सकते हो। टीयर डॉट आप हाईलाइट कर सकते हो, आईब्रोज हाईलाइट कर सकते हो, ब्राउजिंग कंटूरिंग ब्लश आप कर सकते हो, लिपस्टिक एज योर विश। ओके, सो यही है कुछ लुक। अगर आपको ये लुक ऐसे अच्छी लगती है सो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आगे या पीछे अपलोड कर दूँगी, मैं 2 वीडियोज़ शूट करने लगी हूँ। सो ये है सेकेंड वीडियो, सो दिस इज द फन लुक। सो या, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दिस मैट कलर मैडनेस के लिप स्वॉचेस। ये है मेरे पास इन शेड बी, ठीक है। सो ये लिप शेड भी मैंने इसी में से ही यूज किया है। लिपस्टिक को कर लेती हूँ रिमूव। सो अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी मैं विद ईवा लिप बाम। क्योंकि लिप बाम से जो आपकी लिपस्टिक्स है वो इजीली ग्लाइड होती हैं और आपको एक हार्डर इफेक्ट नहीं मिलता, एक स्मूदर इफेक्ट मिलता है लिप बाम से। सबसे पहले अपने हेयर्स को करूंगी सिक्योर। सो ये है कुछ लिपस्टिक्स। अब करते हैं इनके लिप स्वॉचेस स्टार्ट। तो ये है फर्स्ट शेड जो कि थोड़ा वाइन शेड है। दिस इज जस्ट वन स्वॉच। आप दिवाली पे ये शेड भी कैरी आउट कर सकते हो और इस लुक के साथ भी। जब भी मैं लिपस्टिक रिमूव करती हूँ सबसे पहले मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करती हूँ हर बार, चाहे जितनी मर्जी लिपस्टिक्स हों। सो द नेक्स्ट शेड इज लाइक पिंकी शेड। ये भी आप इस आई लुक के साथ कैरी आउट कर सकते हो। अगर आप इन्हें एज अ लिप टिंट चाहते हो सो आप क्या करोगे, टेक अ टिश्यू पेपर, ओके, इसे आप यहाँ पे रखोगे। सो ये हो जाएगा आपका लिप टिंट और ये ट्रांसपोर्ट प्रूफ भी हो जाएंगे, सी, एंड सुपर लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। ओके, सो या, शेड जो मैंने इस लुक के साथ वेयर किया है दैट इज टोटली अप टू यू कि आप ये शेड यूज करना चाहते हैं नहीं। ओके, सो नेक्स्ट शेड इज अबाउट दिस ब्राउन शेड। इट्स अ ब्राउन शेड, न्यू ब्राउन शेड। आप इसे इस लुक के साथ कैरी आउट कर सकते हो, ये अच्छा लग रहा है इस लुक के साथ। आप इसे ऑफिस में भी कैरी आउट कर सकते हो, कॉलेज में भी। ओके, टीनेज गर्ल्स कैन गो विद दिस शेड। सो नेक्स्ट है ये डार्क पिंकी शेड। मम्मीज, ब्राइडल्स, आंटीज इस शेड को यूज कर सॉरी इस शेड को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है दिस ब्राउन वाइन शेड।
दिस शेड इज़ रियली गुड मामीज़ आंटीज़ के लिए, ये शेड बहुत अच्छा लगेगा, ब्राइडल्स भी इसे वेयर कर सकती हैं. सो नेक्स्ट है शेड इस रेडिश काइंड ऑफ शेड, थोड़ी रेड पिंक की शेड है ये. दिस शेड इज रियली रियली पिगमेंटेड एंड आई लव द शेड. वाओ. नेक्स्ट है शेड इस ब्राउन शेड. This is brown red shade, not brown shade. Next shade is this orange shade. Next hai ye shade, this is again wine shade with brown undertone. So next shade is pink shade. This shade is not over pigmented, so college going girls, teachers, teenagers इसे use कर सकते हैं. This shade is nice. और ये इस look के साथ भी अच्छा लग रहा है, because this eye look is dark and lip shade light अच्छा लगता है. Red. Blood red shade. So मैंने आपको दिखा दी हैं सारे lip swatches. So अब बात करते हैं इनकी packaging की और इनके price की. So ये कुछ इस तरह की packaging में आते हैं. Okay. So packaging is really travel friendly and cardboard kind of packaging, and the cardboard is really गुड क्वालिटी नॉट बैड क्वालिटी. ये बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे कैरी आउट करके लेके जा सकते हो. अगर आप पूरा पैक नहीं कैरी आउट करना चाहते तो जो लिपस्टिक्स की आपको ज़रूरत है आप वो निकाल के अपने बैग में अपनी पॉकेट में आप इसे डाल के लेके जा सकते हो. सो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है. ओके. सो ये खुलती है कुछ इस तरह से, बहुत ही यूनिक पैकेजिंग है. सो ये खुलती हैं ऐसे ऐसे, नीड टू डू दिस, और ये फिर बीच में से ऐसे खुलेंगी. एंड हियर आर द लिपस्टिक्स. सो ये है इनकी इनर पैकेजिंग. ये बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली है, टिक टिक काइंड ऑफ पैकेजिंग है. सो आप इसे खोलोगे या कोई ऐसे जार में आएंगी, जार में स्टैंड में आप कह सकते हो. ठीक है. सो अगर जब आप इसे खोलोगे तो आपको एक होल सा मिलेगा, इसे आप यूज़ करोगे, लगाओगे, ऐसे ही रख दोगे. आप इसे अपनी वैनिटी के पास ऐसे रख सकते हो, जब आपका दिल किया लगा लिया ऐसे ही वहाँ पे रख दिया. सो ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग के साथ आती है. ना पैकेजिंग इज रियली गुड, यूजफुल है, नॉट अ वेस्ट, वेरी गुड पैकेजिंग, ट्रेवल फ्रेंडली है. और जहाँ तक बात करें इन लिपस्टिक्स की, इनकी जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, आप इसे एक हाथ में भी कैरी कर सकते हो. ठीक है. सो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है. सो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत हार्ड है, ये आपको टिक, बहुत ही छोटी सी स्मॉल सी आवाज़ आएगी आपको टिक, और ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगी. ओके. सो ये एक प्लस पॉइंट है इन लिपस्टिक्स का. सो ये लुक भी जो मैंने क्रिएट की है, आप इसे देखना ना भूलें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो ये है इन शेड नंबर बी, और इनका प्राइस अबाउट आई डोंट नो
से 36 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। प्राइस जो होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और लिंक भी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। सो दिस वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे टिकटॉक पर भी जरूर फॉलो करिएगा। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।